सिवनी की केवलारी तहसील में हाई स्कूल के भवन का निर्माण पिछले 2 साल से अधूरा है, जिसकी वजह से परेशान होकर सैकड़ों छात्र और ग्रामीण कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने तहसील कार्यालय पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सरकार भले ही छात्रों को बेहतर सुविधाओं के लिए बेहतर भवन बना ले, लेकिन इसके बाद भी छात्रों को इन भवनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही मामला केवलारी का है, जहां ग्राम खरसारू में मोहगांव बरेली खापा थवरी के सैकड़ों छात्र छात्राएं एवं स्थानीय महिलाओं द्वारा जिला कलेक्टर के नाम केवलारी तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपा और मांग रखी, अगर भवन में काम बाकी है तो उसे पूर्ण करवा कर नए शिक्षण सत्र से कक्षाएं संचालित की जाए। विगत 2 वर्ष से हमारे ग्राम पंचायत खरसारू में स्कूल भवन का निर्माण हो चुका है, परंतु उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। मैंने जहाँ तक है पूरे अधिकारियों से चर्चा भी किया कि आप इसका उद्घाटन करवा दें, बस तो वो बोलते हैं 8 दिन 4 दिन। आज एक मुख्यमंत्री पहले आने वाले थे, तभी का इसका उद्घाटन होने वाला था, पर अचानक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम नष्ट हो गया। तो इसके बाद फिर हमने अधिकारियों से बात की, भाई इसका उद्घाटन आप कब करवा रहे हैं, बोले 8 दिन में करवा देंगे, 4 दिन में करवा देंगे, यही चल रहा फिर होगा ठीक है। तो अगर ये नहीं है तो हम इस व्यक्ति को एक सुरक्षित जगह ले जाएंगे, जैसा कि जगप्रीत ने बताया। पहले हम तहसीलदार को अपना मांग रखी कि अगर भवन में काम बाकी है तो उसे बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने विगत वर्ष भी मांग रखी थी कि उक्त भवन पर कक्षाएं संचालित की जाए, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और इस वजह से छात्रों को खुले आसमान में बैठना पड़ा। अब देखना होगा कि इस बार बच्चों को नए भवन में बैठना मुनासिब होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, केवलारी।